3 किलोवाट के सोलर पे क्या क्या लोड चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 किलोवाट के सोलर पे आप अपने घर के क्या क्या अप्लायंसेस क्या क्या लोड चला सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल सोलर दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अलग अलग वीडियोज़ बना रहे हैं, एक पूरा सीरीज़ बना रहे हैं 10 वीडियो का, जिसके अंदर हम 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, ये तीनों कॉम्बिनेशंस के ऊपर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या प्राइस लगेगा इसके ऊपर एक अलग वीडियो है, क्या लोड चला सकते हैं इस पर अलग वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो लोड है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन कौन से तरह के लोड, क्या क्या तरह के लोड होते हैं हमारे घर में और उस पर हम कौन सा सोलर लगा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लोड किस किस तरह के होते हैं। जैसे कि आपके घर में फ़ैन होता है वो 80 वाट का होता है, जो बल्ब होता है एलईडी बल्ब वो करीब करीब 10 वाट का होता है। अलग अलग वाटेज के हैं, वाटेज देख लेना। जो ट्यूबलाइट होता है नॉर्मल एलईडी वाला वो 20 वाट का है। रेफ्रिजरेटर हम 200 वाट पकड़ के चल रहे हैं। एलईडी टीवी जो है 100-150 वाट के आसपास होता है, तो मैं 150 वाट पकड़ के चल रहा हूँ। कंप्यूटर का मैं 100 वाट पकड़ के चल रहा हूँ और मिक्सचर ग्राइंडर का मैं 1000 वाट पकड़ के चल रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे लोड भी होते हैं जो आप देख नहीं सकते, आपको पता नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं सामने चार्जर है, ऑल आउट है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा है। ये वो लोड हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। तो इसको मैं करीब करीब मान के चलता हूँ, ये अदर्स में मान के चलता हूँ, और अदर्स को मैं काउंट करता हूँ एज अ एवरेज 150 वाट का एडिशनल लोड, ठीक है। इसके अलावा बड़े लोड भी होते हैं, जो कि जैसे कि आपका आयरन हो गया 1000 वाट का, कुछ लोग प्रिंटर्स यूज़ करते हैं 1200 वाट के, फिर कुछ लोग जो है एसी चलाना चाहते हैं। देखिए, एसी बहुत जगह पॉसिबल नहीं है चलाना, लेकिन बहुत केसेस में चल जाते हैं अगर आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं, इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं, 2000 वाट ये मान लेते हैं। और मोटर, अगर मैं मोटर की बात करूँ तो मोटर के अंदर अलग तरह का कैलकुलेशन होता है। तो 1 HP का जो मोटर होता है वो करीब करीब 750 वाट का होता है, तो हम 750 वाट मान के चलते हैं पर HP के हिसाब से। चलो, लोड ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें 2.5 गुना ज़्यादा का इन्वर्टर लगाना होता है, जैसे मोटर हो गया, AC हो गया। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी लोग काफ़ी तरह की वीडियोस बनाते हैं जिसमें 3 किलोवाट, 2 किलोवाट का सिस्टम लगा देते हैं और अपने घर के लोड को लाइव आपके सामने चला के दिखाते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, 3 किलोवाट में देखो 3 किलोवाट तक का लोड चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल में क्या है कि 3 किलोवाट अगर कैपेसिटी है तो वो इन्वर्टर का कैपेसिटी है, साथ में बैटरी जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई कुछ चला के दिखा रहा है, कोई लोड ट्यूबलाइट या कुछ भी चला के दिखा रहा है, तो वो एक्चुअल में वो इन्वर्टर आपको चला के दिखा रहा है, वो जो बैटरी चार्ज है उससे चल रहा है। अगर एक्चुअल में आपको कैलकुलेशन करना है तो सोलर से क्या बन रहा है, कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप सोलर पे कितना लोड डाल सकते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं मेरे इस वीडियो में, मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूंगा। आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे साथ एक एक पल, जी हाँ बिल्कुल भी आप यहाँ से जाइएगा मत, एक एक पल एक एक पॉइंट को समझिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा सोलर दुनिया का जो चैनल है रेगुलर, इसमें अलग अलग तरह की वीडियोज आते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए और देखते हैं कि किस सोलर पे क्या क्या लोड आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें लोड की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.8 KVA यानी कि जो 800 VA का जो इन्वर्टर होता है उसके अंदर मोटा मोटी जो आप लोड देख सकते हैं, वो जैसे आप 3 बल्ब लगा दिए, आप एक TV चला लिए, कंप्यूटर चला लिए, उस हिसाब से आप लोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग लोड का बेसिक कैलकुलेशन हुआ हुआ है, आप चाहे तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अपने घर का बेसिक लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर की खासियत ये होती है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इन्वर्टर एक्चुअल में आप अपने लोड के हिसाब से डिसाइड करते हैं, आपके घर में कितना लोड चलाना है उसके बेसिस पे आप इन्वर्टर डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए सोलर में आप कोई इन्वर्टर लगा रहे हैं तो वो 3.75 KVA का है, तो उसका 80% यानी कि 3 किलोवाट का लोड वो इन्वर्टर उठा सकता है। अक्सर आप मार्केट में देखेंगे आपका जो भी इन्वर्टर होगा वो VA के हिसाब से होगा, तो 3.75 KVA का मतलब हो गया 3750 VA, तो ये 3 किलोवाट, उसका 80% करेंगे तो मोटा मोटी 3 किलोवाट आता है। तो 3 किलोवाट के आसपास वो
लोड उठा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके जो घर के लोड है आप देख सकते हैं अलग अलग लोड है सबका, मैंने अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, एलईडी बल्ब है और सीएफएल बल्ब है, हर तरह के फैन वैन सब चीज़ का एक मोटा मोटी वाटेज पे यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक इन्वर्टर के ऊपर आप जो लोड डालेंगे मेरे हिसाब से 80% ऑफ मैक्सिमम लोड, अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उस पर जब भी लोड डाले आप चाहे जो भी कैलकुलेशन करें, लेकिन मैक्सिमम जो आपका सारा लोड चलाने के बाद जो मैक्सिमम लोड का कैलकुलेशन होना चाहिए वो 80% होना चाहिए। तो 3 किलोवाट का अगर इन्वर्टर है तो उस हिसाब से मैक्सिमम जो है आप जो है, सॉरी मैंने यहाँ 2600 लिखा है, 2400 वाट तक का लोड आप उस पर डाल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं टोटल रनिंग लोड की, तो आप देख सकते हैं कि 2500 वाट का अगर मान लीजिए आपका लोड है, आपके घर का जितना भी सिस्टम है, फैन है, लाइट है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कुछ भी है, सारे रनिंग लोड 2500 वाट होते हैं, यानी कि ये वो लोड है जो आप रन कर रहे हैं। तो और उसका रनिंग टाइमिंग आपका 10 घंटे का है, तो टोटल एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हैं वो आप देख सकते हैं, टोटल एनर्जी कंज्यूम होता है वाट इंटू आवर। तो अगर आप 2500 वाट का लोड चला रहे हैं और उसको 10 घंटे के लिए चला रहे हैं तो 2500 × 10 कितना हुआ, 25000 वाट आवर, यानी कि 25 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, जैसे आपका बिजली बिल आता है वो यूनिट पे आता है, तो 25 यूनिट, जी हाँ आप 25 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं अगर 2500 वाट का लोड लगातार आप 10 घंटे तक चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये लोड चलाना चाहते हैं 2500 का और 10 घंटे तक, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 25 यूनिट आपका कंज्यूम होगा। अगर हम देखते हैं कि यूनिट कितना प्रोड्यूस करता है 3 किलोवाट का सोलर पैनल, तो मेरे हिसाब से 10 से 14 यूनिट पर डे, अगर आप पूरे साल का कैलकुलेशन करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं तो जो पर डे का जो आउटपुट आता है वो 10 से 14 यूनिट का ही आता है। कभी मौसम खराब रहेगा, कभी धूप प्रॉपर नहीं पड़ेगी आपके प्लेट पे, हर चीज़ को कैलकुलेट करके एवरेज जो निकलता है 10 से 14 यूनिट पर डे का आपके सोलर प्लेट का प्रोडक्शन निकलता है। ठीक है, अगर आप 3 किलोवाट लगा रहे हैं तब, ठीक है, अगर आप 1 किलोवाट लगा रहे हैं तो 3 से 4 यूनिट है, अगर 3 किलोवाट लगा रहे हैं तो 10 से 14 यूनिट आप मान के चल सकते हैं कि पर डे आपका सोलर प्लेट से प्रोडक्शन होगा। अब हम टोटल रनिंग लोड 1000 वाट के हिसाब से देखते हैं। आपने वहां पे देखा कि टोटल रनिंग लोड आपने वहां पे 2400 के हिसाब से देखा, अब यहां पे आप 1000 वाट के हिसाब से देखिए। टोटल रनिंग टाइम 10 घंटे का है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या है वाट इंटू आवर, फिर से हम इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1000 × 10, 10000 वाट आवर हुआ, 10 किलोवाट आवर, यानी कि 10 यूनिट। अगर आप 1000 वाट का लोड चलाते हैं लगातार 10 घंटे तक, देखिए हमेशा ये नहीं होता है कि आप हमेशा वही सेम लोड पूरे दिन चला रहे हैं, लेकिन अगर 1000 वाट का लोड हम ये मान के चलते हैं कि एनी टाइम आपका चल रहा है, 10 घंटे तक चल रहा है, तो 10 घंटे में आपका 10 यूनिट कंज्यूम होगा। लेकिन आपका प्रोडक्शन क्या हुआ था 3 किलोवाट के सोलर पे, 10 से 14 यूनिट पर डे। अगर 10 से 14 यूनिट पर डे यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हुआ है और आपका 1000 वाट के हिसाब से 10 यूनिट का कंजप्शन है, तो ये कैलकुलेशन सही है, यानी कि ये जो लोड है उसके हिसाब से ये सोलर ठीक है। चलिए कैसे स्टडी करते हैं 3 किलोवाट के सोलर के ऊपर कि क्या लोड आप डाल सकते हैं, मैं एक बेसिक सा एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर पे फैन लगे हुए, ये देखिए आप लोड का पूरा चार्ट है, ये नंबर्स हैं, यहाँ वाटेज है, यहाँ टोटल वाटेज है, मतलब इनको मैंने इंटू करके यहाँ पे टोटल वाटेज निकाल दिया है, कितने घंटे हम उसको चलाएंगे और कितना यूनिट वो कंज्यूम करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि 4 फैन यूज़ कर रहे हैं, 8 LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं, 3 ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं LED वाला, 1 कंप्यूटर, 2 टेलीविज़न, आजकल क्या है अलग अलग रूम में टेलीविज़न होने लग गए हैं, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 HP का एक मोटर और 1.5 टन का AC। अब आप देखिए इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जो भी 3 किलोवाट लगाना चाहता है वो इतने इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहता है, और यही बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक हाउसहोल्ड में हम पाते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए ये पूरा कैलकुलेशन हुआ, टोटल 2710 वाट का लोड हुआ। अगर हम इसको घंटों के हिसाब से देखें तो फैन जो है 15 घंटे एटलीस्ट आप चलाएंगे ही,
एलईडी बल्ब है वो भी 15 घंटे चलेंगे ही आपके, एलईडी ट्यूबलाइट है वो 10 घंटे। अभी देखिए ये कैलकुलेशन कैसे चेंज होगा, मैं वो दिखाऊंगा आपको। 15 घंटे आपको फैन चलाना है क्योंकि रात में सोने के बाद भी आप फैन को लगातार चलाते हैं, लाइट फिर भी बंद हो जाता है, फिर भी मैंने यहाँ 15 घंटे लिया है और 10 घंटे ट्यूबलाइट लिया है मैंने और 3 घंटे का मैंने कंप्यूटर लिया है, 8 घंटे टेलीविज़न का लिया है। रेफ्रिजरेटर जो है वो आपका 2400 घंटे चलता है, इसलिए वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकता। और मोटर जो है 1 HP का जो 750 वाट का होता है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 750 वाट का है लेकिन 2.5 गुना ज़्यादा पावर लेता है, तो आपका इन्वर्टर जो है उस बेसिस पे कैपेसिटी का होना चाहिए क्योंकि 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए वो 2.5 गुना ज़्यादा पावर लेता है, तो आपका इन्वर्टर ऐसा होना चाहिए जो कि उस पीक लोड को खींच सके, उसको सप्लाई दे सके। तो मोटर 1 HP का मैं मान के चलता हूँ, 1/2 घंटे ही चलता है और 1.5 टन का AC कोई आदमी 8 घंटे चलाता है, उस हिसाब से यूनिट्स यहाँ कैलकुलेट हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21,675 यूनिट टोटल हुए। आपका प्रोडक्शन कितना है, 10 से 14 यूनिट पर डे है और आपका कंजम्पशन कितना है, 21.5 यूनिट है। यानी कि आप ये जो सोलर लगाएंगे इससे आपका ये जो लोड आप इतना जो चलाना चाह रहे हैं वो नहीं चल पाएगा, तो ये कैलकुलेशन आपका गलत हो गया। इसके लिए आपको लाइन यूज करना पड़ेगा, जो ग्रिड का पावर आता है, जो सप्लाई का पावर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको वो यूज करना पड़ेगा बचे हुए पावर को यूज करने के लिए। चलिए इसी केस को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लीजिए आप फैन अब 15 घंटे की जगह 10 ही घंटे चला रहे हैं, रात में सोते वक्त चला रहे हैं, बाकी दिन में थोड़ी देर चला रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि हर रूम का फैन चलता ही रहे, 4 नंबर ऑफ फैंस हैं इसलिए मैंने उसको 10 घंटा लिया। एलईडी बल्ब की बात करें तो रात में सोते वक्त तो आप बल्ब बंद कर देते हैं, दिन में बल्ब चलना नहीं है, तो 7 घंटे का हम 8 बल्ब का कंजप्शन मान के चलते हैं। ट्यूबलाइट भी जो है हम 7 घंटे का मान के चलते हैं, कंप्यूटर को 3 घंटे से 2 घंटा कर दिया मैंने, टेलीविज़न 8 ही घंटा रखा, रेफ्रिजरेटर वही 24 घंटा रखा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते, मोटर को वही 1/2 आवर ही रखा मैंने क्योंकि मोटर आपको डेली चलाना ही है, उसमें आप कोई बचत नहीं कर सकते। रिकमेंडेड नहीं करते AC चलाने का सोलर पे, लेकिन अगर आप चलाना चाहते हैं तो मैं 1.5 टन के इन्वर्टर AC को बैकअप के तौर पे रखा हुआ हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 1 घंटे आप उस AC को चला रहे हैं, या फिर आपका रूम ठंडा हो गया आपने AC को बंद कर दिया, उस बेसिस पे मैंने इसको कैलकुलेट किया। अगर आप बचत करके चलते हैं, अगर आप सोच समझ के होशियारी से बिजली को यूटिलाइज करते हैं, तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 12 यूनिट के आसपास का आपका कंजप्शन है। देखिए लोड वही है, वाटेज देख रहे हैं आप, सेम लोड है आपके 3 किलोवाट के इन्वर्टर पे, ये चल भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आपने रनिंग टाइम थोड़ा सा होशियारी से यूज़ किया, 1.5 टन के AC को आपने होशियारी से यूज़ किया, इस हिसाब से आप देख सकते हैं 12 यूनिट आपका खपत हुआ 1 दिन का। टोटल प्रोडक्शन क्या है, 10 से 14, यानी कि आपका ये जो कैलकुलेशन है ये बिल्कुल करेक्ट बैठा है। तो फिर 100% सोलर से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं और 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, 2.5 किलोवाट का लोड डाल देते हैं और बोलते हैं कि भैया सोलर से पूरे दिन नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आप कहाँ से यूज़ करोगे, आपको लाइन से पावर लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए 100% सोलर के लिए अगर हम देखते हैं 12,000 वाट आवर यानी कि 12 यूनिट जो है उसको 24 घंटा से अगर हम डिवाइड करते हैं, पूरे 24 घंटे अगर 24 घंटे आप लोड को चलाना चाह रहे हैं तो 500 वाट का लोड कंप्लीटली आप डाल सकते हैं 3 किलोवाट के सिस्टम पे, जो 2400 घंटे आपका चलेगा, डिपेंडिंग कि जो बैटरी है वो उस बैकअप का होना चाहिए, वो सोलर आपका बैटरी को भी चार्ज कर देगा। अगर 500 वाट का लोड है पूरे 24 घंटे आप चला सकते हैं। वही अगर आप 12 घंटे उसको चलाते हैं तो आप 1000 वाट का लोड उस पर डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे 1000 वाट का लोड यूज़ करें, हो सकता है कभी आप 300 कर रहे हैं, 400 कर रहे हैं, कभी 1500 कर रहे हैं, लेकिन 12 घंटे तक लगातार आप अगर 1000 वाट का लोड यूज़ कर रहे हैं और बैकअप है प्रॉपर उसका, तो आप 3 किलोवाट पे
आराम से अपने सिस्टम को चला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 वाट का जो लोड है उसके लिए अगर 100% सोलर पे चलाना चाहते हैं तब उसके लिए 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो बेस्ट है। और अगर आप लाइन भी यूज कर रहे हैं, बिजली भी खपत करना चाहते हैं, तब तो फिर आप कोई भी लोड डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन इसमें मैं ये दूंगा आपको कि आपका जो सोलर पैनल है उससे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मैंने बताया पर किलोवाट 3 से 4 यूनिट, तो आप ये मान के चलिए 3 किलोवाट है तो 10 से 14 यूनिट का जो मैंने प्रोडक्शन बताया, तो या तो आप उसके हिसाब से यूजेस करें, यानी कि आप 10 से 12 यूनिट ही पूरे दिन में यूज करें तब तो आप 100% सोलर से यूज कर सकते हैं, और एल्स आप जो है सोलर पैनल के स्ट्रेंथ को डबल कर दीजिए। अगर आपने पहला कैलकुलेशन देखा था वो करीब करीब 20 से 22 यूनिट के आसपास आ रहा था, तो उसको पूरा करने के लिए अगर आप स्ट्रेंथ को डबल कर देते हैं, मान लीजिए कि आप 1000 वाट चलाना चाहते हैं तो उसमें कम से कम 2 या 3 किलोवाट का सोलर लगाते हैं, तब जाके आप 100% यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 100% सोलर यूज करना है तो आप जो भी लोड चला रहे हैं उसका पूरे दिन का कैलकुलेशन कीजिए और उसके हिसाब से आप डबल कैपेसिटी का सोलर लगाइए ताकि आप 100% सोलर यूटिलाइज कर पाए। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दिन दिन में सिर्फ यूज करूंगा तो फिर क्या होगा कि आप अपने लोड को यूज, आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा और आपको 24 आवर्स जो है सोलर का आउटपुट नहीं मिलेगा। जितना प्रोडक्शन होगा सिर्फ आप उतना ही यूटिलाइज कर पाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो मिथ था कि 3 किलोवाट पे पूरा 3 किलोवाट का लोड डालना चाहिए, वैसा नहीं है। आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, आपके घर के लोड की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, आपके यूजर्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप सोलर लगाते हैं। मेरे इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैंने 2 किलोवाट का अलग वीडियो बनाया है, 1 किलोवाट पे अलग वीडियो बनाया है। आपको जो भी सिस्टम पसंद है आप अपने लोड को कैलकुलेट कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा सोलर लगाना है और कितना अपने इक्विपमेंट को, अपने लोड को चलाना है। दोस्तों मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके से प्यारे प्यारे वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर।